वेलकम टू बानेक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस इंपोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं वो है स्पेशली फॉर द डिफेंस कैंडिडेट्स। जितने भी आपके डिफेंस एस्पिरेंट हैं, जो बच्चे अपना डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल चुका है बाय यूपीएससी। यूपीएससी को द्वारा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली आपका जो वैकेंसी है वो आपका निकल चुका है फॉर द पोस्ट ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी। क्लियर, नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी का जो पोस्ट और जो वैकेंसी है वो आपका निकल चुका है। क्लियर, तो इसके जो ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना से कितना एज के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इंपोर्टेंट लिंक्स ए टू जेड आपको बताया जाएगा, और किस प्रकार से आपको बानेक इसमें आपको हेल्प करेगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पोस्ट निकला है, ये पोस्ट निकाला गया है बाय द, याद रखिएगा, पहली बात तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये पोस्ट निकाला गया है फॉर द पोस्ट ऑफ एनडीए। ओके, नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए और नेवल अकेडमी आपका इसका 2022 बैच का 2022 का पहलवा बैच का आपका वैकेंसी निकल चुका है। देखो, याद रखिएगा, साल में एनडीए और एनए का दो बार वैकेंसी निकलता है। ये पहला बैच का निकला है, दूसरा वैकेंसी आपका निकलेगा वही अगस्त से अक्टूबर के बीच में। क्लियर, टोटल जो पोस्ट निकाला गया है ये निकाला गया याद रखिएगा 400। क्लियर, टोटल जो पोस्ट निकाला गया है वो निकाला गया है आपका याद रखिएगा 400 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से नेशनल डिफेंस अकेडमी का टोटल 370 पोस्ट है। एनडीए का टोटल कितने पोस्ट है? एनडीए का 370 पोस्ट है, और उसको अगर मैं कैटेगराइजली डिवाइड कर दूं, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इस प्रकार से अगर कैटेगराइज कर दूं तो आर्मी का टोटल याद रखिएगा 208 पोस्ट निकला है। ये 370 पोस्ट में से आर्मी का कितना है? आर्मी का है याद रखिएगा 208, नेवी का है याद रखिएगा 42, और जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स का याद रखिएगा आपका 120। क्लियर, आर्मी का 208 पोस्ट, नेवी का 42 पोस्ट, एयरफोर्स का आपका 120 पोस्ट निकला हुआ है, और जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है इसका टोटल पोस्ट निकला याद रखिएगा 30। टोटल पोस्ट कितना निकला इसका? तो इसका टोटल पोस्ट निकला याद रखिएगा आपका 30। तो टोटल हो गया आपका वैकेंसी कितना? 400। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जानेंगे उसको, उससे पहले जान लो एप्लीकेशन फी क्या है। एप्लीकेशन फी क्या है? तो एप्लीकेशन फी फॉर अदर कैंडिडेट्स 100 रुपया चार्ज लेगा आपका यूपीएससी, लेकिन जितने भी आपकी एससी एसटी फीमेल एंड आपका जो डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो कितना है आपका? नील, यानी कोई भी चार्ज आपका नहीं लेगा। कौन? यूपीएससी। यूपीएससी के द्वारा कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है। देखिए, अगर हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखें तो ये चार आपका तीन स्टेज का होता है। एक तो होता है आपका रिटेन एग्जाम, एक होगा आपका रिटेन एग्जाम, एक होगा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू आप लोग बोल सकते हैं एसएसबी होता है यहाँ पे, और एक होता है आपका मेडिकल टेस्ट। तीन स्टेज से होता है ये, एक होता है आपका रिटेन एग्जाम, एक होता है आपका इंटरव्यू, और एक होता है क्या? मेडिकल टेस्ट। डिफेंस में जा रहे हो तो डिफेंस में मेडिकल टेस्ट बहुत ही जरूरी है। क्लियर, आपका फिट होना बहुत ही आपका जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं इसका क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, एनडीए के लिए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, एनडीए के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसका क्वालिफिकेशन प्लस टू है। कोई भी बच्चा जिसका क्वालिफिकेशन प्लस टू हो चुका है, यानी आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वो बच्चा क्या कर सकता है? एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जहां तक नेवल अकेडमी का बात है, जिसके 30 वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिसकी 30 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए प्लस टू साइंस का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सिर्फ प्लस टू साइंस के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। क्लियर, तो एनडीए के लिए प्लस टू कोई भी बैकग्राउंड कोई भी स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई कर सकता है, और नेवल अकेडमी के लिए आपका ओनली साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आप लोग क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया। अच्छा, जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो रिटन एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, पहले तो आपको पूछेगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आता है, याद देखिएगा, 300 मार्क का आता है। टोटल टाइम आपको दिया जाता है आपका 2.5 घंटा का। वही जनरल एबिलिटी टेस्ट में होता है, याद देखिएगा, 2.5 घंटा
का ये भी रहता है, टोटल मार्क आता है 600, यानी कि रिटन एग्जाम होगा वो आपका होगा याद रखिएगा कितना मार्क का, 900 मार्क का। और जो एसएससी रहता है यानी जो इंटरव्यू रहता है वो कितने मार्क का रहता है, तो वो भी रहता है याद रखिएगा 900 मार्क का रहता है। एज क्या चाहिए आपका, तो याद रखिएगा आपका जो मिनिमम एज है आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/2030 से लेकर 1/7/2006 के बीच में होना चाहिए। क्लियर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका ये दो डेट ऑफ बर्थ के बीच में होना चाहिए, आपका 2/7/2003 से लेकर आपका 1/7/2006 तक आपका ये दोनों डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अगर और कुछ इंपोर्टेंट देखें इसके बारे में, तो यहां पे दिया गया इंपोर्टेंट इवेंट्स, इंपोर्टेंट डेट सब किससे किससे अप्लाई कर सकते हो, तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट आपका अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन करने का लास्ट डेट है याद रखिएगा 11/1/2022, 11 जनवरी 2022 तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट का आखिरी दिन है उसका एक दिन पहले यानी कि 10/1/2022। लास्ट डेट ऑफ प्री पेमेंट, ओके, फी पेमेंट ऑनलाइन मोड में है याद रखिएगा वही 11/1/2022। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉन ये है आपका याद रखिएगा 18/1/2022। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉन ये है आपका 24/1/2022। डेट ऑफ एग्जाम, इसका एग्जाम कब होगा, तो ये होगा आपका याद रखिएगा 10 अप्रैल 2022, 10 अप्रैल 2022 में होगा। और इसका जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा ये आएगा जून में, और आपका जो एसएसबी है ये हो जाएगा जुलाई-सितंबर 2022 तक। क्लियर, आप लोग किसमें अप्लाई कर सकते हो, कौन सा साइट में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो, तो साइट है इसका याद रखिएगा www.upsc.gov.in, www.upsc.gov.in, इस साइट में जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका जो अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो सबसे पहला पोस्ट आपको मिलेगा याद रखिएगा लेफ्टिनेंट, उसके बाद हो गया कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इस प्रकार से आपका क्या होगा प्रमोशन होगा, और इसी प्रकार से आपका क्या होगा जो सैलरी है सैलरी भी क्या करता जाएगा आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब सवाल उठता है कि बानिक आपको इसमें किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, तो वी आर स्टार्टेड, हम लोगों ने इसका शुरू कर चुका है क्या ऑफलाइन क्लासेस फॉर एनडीए एंड एनए, वी आर प्रोवाइडिंग द ऑफलाइन क्लासेस, वी आर प्रोवाइडिंग ऑफलाइन क्लासेस एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन लाइव क्लासेस एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग द स्टडी मेटेरियल फॉर एनडीए एंड एनए, वी कैन यू कैन एनरोल आवर पब्लिकेशन बुक एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज फॉर एनडीए एंड एनए वैकेंसी विच वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय यूपीएससी। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी चाहिए बानी के बारे में, आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए, हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका फीस क्या है, कुछ भी आपको जानना है, तो आप हमारे नेशनल हेल्पलाइन नंबर 833-805-0007 में जाके उसको क्या कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हो, वी कैन सॉल्व योर क्वेरी, या फिर हमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8093-55-6677। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है आपका याद रखिएगा 8093-55-6677। या फिर आप हम लोग मेल भी कर सकते हो, हमारा मेल आईडी है banikbbsr@gmail.com, या फिर आप हमारे साइट www.banikorg.com में जाके भी आप लोग क्या कर सकते हो एनरोल कर सकते हो। क्लियर हो गया आपका, तो इट इज ऑल अबाउट यू कैन सेट एट द पोस्ट ऑफ यूपीएससी रिलीज, आपका पोस्ट ऑफ एनडीए एंड एनए रिलीज्ड बाय द यूपीएससी। होप ये जो वीडियो बताया गया आपको आपको हेल्प करेगा जानने के लिए किस प्रकार से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका एज कितना से कितना बीच कितना से कितना आपको डेट ऑफ बर्थ आपका बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।